हर इंसान एक पर्सनालिटी लेके कैरी करता है और उसकी कुछ एसोसिएशंस होती हैं जो उसको इन्हांस करती हैं। हम समझते हैं फैशन सिर्फ कपड़े या एक्सेसरीज होती हैं, इंसान खुद एक फैशन है। जब तक आपकी डेडिकेशन और कमिटमेंट नहीं होगी काम के साथ और क्रिएटिविटी के साथ, और आप अपनी सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट को नहीं जानेंगे, उस वक्त तक आप फैशन डिज़ाइनर अच्छे नहीं बन सकते। जो पाकिस्तान ने मुझे दिया था ना, वो नहीं दे सके। When I went for my master's abroad, उनको ये यकीन नहीं आता था कि I was somebody who did that from Pakistan and coming up with that skill. साल बाय साल, फैशन शो बाय फैशन शो, कलेक्शन बाय कलेक्शन एक कनेक्टिविटी बनती गई। बुरे कमेंट्स भी आए, अच्छे भी आए, लेकिन आप हमेशा बुरे कमेंट्स को एक क्रिटिक लेते हैं और उससे अपने काम को बेहतर करते हैं। और मुझे इस तरह लगता है कि हर चीज़ विन विन नहीं होती। जब आप लूज करते हैं ना, तो आप बेहतर करते हैं। एक डिज़ाइनर की कैपेबिलिटी क्या होती है, वो आपके रैम की क्रेडिबिलिटी, क्रिएटिविटी और इनोवेशन से पता लगती है। तो मेरा एक हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है कि मैं जब भी रैम पे जाता हूँ तो मैं कुछ क्रेजी करने की कोशिश करता हूँ। इंटरनेशनली अगर देखा जाए, जितना पाकिस्तान में टैलेंट रिसेंटली फैशन इंडस्ट्री में उभर के आया है, वो किसी इंडस्ट्री में नहीं आया। फैशन इंडस्ट्री ने बहुत सी सेलिब्रिटीज़ और इंटरटेनमेंट को उठाया है इस कंट्री में। सो ये ग्रूम नहीं, बूम कर रही है। मैं स्टेप बाय स्टेप अपने हर एलिमेंट को, अपने हर प्रोजेक्ट को और अपने हर एक छोटे ख्वाब को सक्सेस की तरह लेता जा रहा हूँ, और उसी तरह जो एक बिग ड्रीम है वो इंशाल्लाह एक दिन पूरी होगी।